हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। और आज हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की परा संरचना। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने हरित लवक का इंट्रोडक्शन बात किया था, जिसमें उसकी शेप, साइज, नंबर की अपन ने डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं हरित लवक की परा संरचना। हरित लवक की किस तरीके की संरचना है, आप यहाँ विभिन्न डायग्राम देख रहे हैं। इन डायग्रामों को अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसकी जो संरचना है उसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, उसके बाद बात करेंगे स्ट्रोमा, उसके बाद करेंगे लैमिनर सिस्टम और फोर्थ करेंगे क्वांटोसोम। यानी हरित लवक की संरचना का अध्ययन हम निम्न चार बिंदुओं में करेंगे: हरित लवक का आवरण, हरित लवक का स्ट्रोमा, हरित लवक में लैमिनर सिस्टम या पटली का तंत्र और क्वांटोसोम। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एनवेलप या हरित लवक का आवरण। फ्रेंड्स, आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में माइटो के चारों ओर एक दोहरी आवरण पाया जाता है, उसी तरीके से हरित लवक के चारों ओर भी दोहरी आवरण पाया जाता है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के समान एकल कला जो झिल्ली है उसके समान यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या एकल कला मॉडल के समान दो आवरण पाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक जो आवरण है वो त्रिस्तरीय व लाइपोप्रोटीन का बना होता है और ये वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। प्रत्येक कला 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो देखिए भाई, आपको ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिख रही है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है और ये इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन है ये जो 50 एंगस्ट्रॉम मोटी है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। उसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन है जो आंतरिक कला जिसे अपन कहते हैं, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के समान बनी हुई है और त्रिस्तरीय है और लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो हरित लवक के चारों ओर यह है आउटर मेम्ब्रेन और यह है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है और इसे अपन पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं जो लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का स्पेस है, दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाला स्पेस जो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है भी पेरी प्लास्टिडियल स्पेस या अपन कैसे परिलवक अवकाश। तो ये परिलवक अवकाश है, इसमें परिलवक फ्लूइड भरा होता है जिसमें मैग्नीशियम आधारित एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसका पहला अवयव अपन ने देखा भी हरित लवक का, कि हरित लवक के चारों ओर एक दोहरी आवरण होता है जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के समान दोहरी कलाओं से बना होता है। इसमें बाहरी कला को अपन आउटर मेम्ब्रेन और आंतरिक कला को अपन इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों कलाओं के मध्य पेरिप्लास्टिडियल अवकाश होता है जो लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोनों जो कलाएं हैं उनके मध्य उपस्थित अवकाश में क्या भरा होता है, पेरिप्लास्टिडियल तरल भरा होता है जिसमें मैग्नीशियम आधारित एटीपेज एंजाइम होता है। आगे अपन बात करें भी सेकंड पार्ट इसका, वो कहलाता है स्ट्रोमा। तो दोहरी झिल्ली से अंदर उपस्थित अवकाश को, और ये जो अवकाश आपको दिख रहा है ये जिसे अपन कह सकते हैं
लवक अवकाश, ये तो था परिलवक अवकाश और ये है लवक अवकाश। इस लवक अवकाश में जलीय प्रोटीन युक्त एक जेली समान द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये सारा जो अवयव अपने को दिख रहा है, ये जो लिक्विड समान द्रव भरा है इसमें, ये स्ट्रोमा है और ये प्रोटीन युक्त होता है जिसमें 50% प्रोटीन, इसके अलावा इसमें डीएनए, आरएनए, स्टार्च कण, राइबोसोम। तो स्ट्रोमा में लवक के स्ट्रोमा में या हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या होता है भी प्रोटीन, जो कि 50% प्रोटीन होते हैं, उसके बाद में राइबोसोम। तो अपने को ये जो है राइबोसोम दिख रहे हैं, राइबोसोम, डीएनए, ये डीएनए है और आरएनए, ये आरएनए है और डीएनए से ही आरएनए बनते हैं जिसमें तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का। तो ये तीनों प्रकार के आरएनए इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा स्टार्च कण और दो मेन पार्टिकल और है इसमें भी, एक है ओस मियोफिलिक कण, ओस मियोफिलिक कण जो वसा का संचय करते हैं और ये अपने को दिख रहे हैं ओस मियोफिलिक कण पार्टिकल जो किसका स्टोर करते भी वसा का स्टोर करते हैं। एक आपको दिख रहा है फाइटोफेरिटिन, ये है फाइटोफेरिटिन पार्टिकल, ये फाइटोफेरिटिन पार्टिकल दिख रहे हैं जो भी स्ट्रोमा में उपस्थित है और यह लोहा युक्त प्रोटीन होता है। तो भी स्ट्रोमा हरित लवक के दोहरी आवरण के अंदर उपस्थित अवकाश को हरित लवक अवकाश कहते हैं और हरित लवक अवकाश में भरे हुए जेली समान कोलाइडी विलयन को अपन क्या कह सकते हैं भी स्ट्रोमा कह सकते हैं। और स्ट्रोमा में क्या क्या होगा भी, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, स्टार्च कण और ये स्टार्च पार्टिकल आपको दिख रहे हैं स्टार्च कण, ओस मियोफिलिक कण जो वसा का संचय करते हैं और फाइटोफेरिटिन कण जो लोहा युक्त प्रोटीन होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रोमा हो गया। तो हमने अब तक दो पार्ट कर लिए भी, एक अपन ने किया क्लोरोप्लास्ट का आवरण और दूसरा स्ट्रोमा। तीसरा पार्ट अपन चल रहे हैं भी लेमिनर सिस्टम या पटलिका तंत्र, और पटलिका तंत्र स्ट्रोमा में ही फैला रहता है। और जो आपको ये जो ग्रीन कलर का जो सिस्टम दिख रहा है पूरा, इस पूरे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं भी, लेमिनर सिस्टम कहते हैं। और ये लेमिनर सिस्टम में कौन क्या क्या है, लेमिनर सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है, थायलेकोइड्स, ग्रेनम और इंटरग्रेनम, इन तीन रचनाओं से मिलकर क्या बना होता है भी, लेमिनर सिस्टम बना होता है। तो ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है पूरा, जैसे ये दिख रहे हैं, ये चैनल दिख रहे हैं आपस में जोड़ने वाले, और ये पूरा सिस्टम क्या है भी, लेमिनर सिस्टम या पटलिका तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब इसमें अपन एक एक की बात करते हैं। थायलेकोइड्स, थायलेकोइड्स एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के समान जो कला होती है, उनकी दोहरी कलाओं से बनी हुई एक चकती नुमा या तस्त्री नुमा क्या होती है भाई, प्लेट होती है, पटलिका होती है, जिसे थायलेकोइड कहते हैं। तो मेनके ने थायलेकोइड शब्द का प्रतिपादन किया था। थायलेकोइड शब्द किसने दिया भी, मेनके ने दिया। मेनके ने थायलेकोइड शब्द का प्रतिपादन किया 1962 में, जो कि एक चपटी प्लेट नुमा दोहरी कला से बनी पटलिका है। और आप थायलेकोइड के बारे में देखना चाहते हैं इसमें डायग्राम, तो ये थायलेकोइड है, ये थायलेकोइड है, ये थायलेकोइड है, सभी थायलेकोइड है। और अपन अगर विस्तृत रचना देखना चाहे तो ये थायलेकोइड है जिसमें ये फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गई और ये सेकंड मेम्ब्रेन हो गई। तो दोहरी दो मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन यानी पहली कला और दूसरी कला मिलकर क्या बनाती हुई, थायलेकोइड बनाती। जैसे मैं कहूं कि ये एक मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, ऐसे एक चकती नुमा प्लेट के समान रचना है जिसे अपन क्या कहते हैं, थायलेकोइड कहते हैं। थायलेकोइड की ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है और ये सेकंड मेम्ब्रेन है, दोनों मिलकर क्या बनाती भी, थायलेकोइड बनाती। और ऐसी अनेक थायलेकोइड
किसमें उपस्थित होती हुई, हरित लवक में उपस्थित होती है। तो मेनके ने इन्हें थाइलेकोइड रचना की बताई, और ये प्रत्येक रचना क्या है, ये सभी थाइलेकोइड है, ऐसी अनेक थाइलेकोइड है। अब अपन बात करें दूसरा पार्ट लेमिनर सिस्टम का, वो है ग्रेनम। ग्रेनम क्या है भी, जब अनेक थाइलेकोइड, जब अनेक थाइलेकोइड या अनेक पटलिकाएं एक दूसरे के ऊपर जमकर एक सिक्कों के ढेर के समान रचना बना लेते हैं, तो उसे अपन कहते हैं भी ग्रेनम। तो ये रचना जो आपको दिख रही है ये ग्रेनम है, जैसे कि मैंने ये यहां कहा कि ये ग्रेनम है, जिसमें अनेक थाइलेकोइड्स हो सकती है और प्रत्येक ग्रेनम में 50 से 100 थाइलेकोइड्स हो सकती है, 50 से 100 थाइलेकोइड्स हो सकती है। तो ऐसे अनेक थाइलेकोइड्स जमकर एक सिक्कों के ढेर के समान रचना बना लेती है, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम लगभग 0.3 से 1.7 माइक्रोन एक चट्टा है, एक ढेर है सिक्कों का, जिसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, 0.3 से 1.7 माइक्रोन। और ऐसे अपने को कितने ग्रेनम दिख रहे हैं इसमें, एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, चौथा, पांचवा और छह, तो छह ग्रेनम दिखाई दे रहे अपने को। तो अनेक थाइलेकोइड सिक्के के रूप में जमकर क्या बनाती है, ग्रेनम बनाती है, ठीक है। अब यहां एक चीज और अपन बात करें, ग्रेना, ग्रेना क्या है, देखो ग्रेनम एक वचन है, इस एक इकाई को क्या कहेंगे भी, थाइलेकोइड के जमकर एक इकाई जब बनाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और एक ग्रेनम में 50 से 100 थाइलेकोइड्स होती है, तो ये एक इकाई, इसे अपन क्या कहेंगे भी, ग्रेनम। और ऐसी अनेक ग्रेनम किसमें होती है भी, हरित लवक में उपस्थित है, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम। तो ग्रेनम का बहुवचन क्या है भी, ग्रेनम। तो ये सारी इकाइयां, ये पूरा एक ग्रेनम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, छह ग्रेनम है, इन सभी छह ग्रेनम को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं भी, ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेनम एक वचन है, जिसमें 50 से 100 तक थाइलेकोइड्स, 50 से 100 तक थाइलेकोइड्स जमकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। और ग्रेना क्या है भी, ग्रेना ग्रेनम का बहुवचन है, और ये सभी क्या है भी, ये एक ग्रेनम है, और इन सभी के ग्रेनम को अपन क्या कहते हैं भी, ग्रेनम। और एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना होती है। अपने इस डायग्राम में कितनी ग्रेनम है भाई, अपने इसमें कितनी ग्रेनम है, 6 ग्रेनम है, तो इनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे, ग्रेना। और वैसे हरित लवक में कितनी होती है, 40 से 60 ग्रेना होती है। तो ग्रेनम और ग्रेना समझ में आया भाई। आगे अपन तीसरा और ये बात कर रहे हैं भी, इंटर ग्रेनम। जैसा कि अपन चल रहे थे लेमिनर सिस्टम में, और लेमिनर सिस्टम के थ्री पार्ट्स है, थाइलेकोइड्स, ग्रेनम, ग्रेना और इंटर ग्रेनम। ग्रेनम एक वचन है, ग्रेना बहुवचन है। इंटर ग्रेनम, देखो ग्रेनम के बीच में जो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली इकाइयों को अपन क्या कहते हैं भी, इंटर ग्रेनम कहते हैं। तो ये क्या है भी, इंटर ग्रेनम। इसी तरीके से ये क्या है भी, इंटर ग्रेनम। इसे ये स्टोमा में उपस्थित है, इस कारण से अपन इसको क्या कह सकते हैं, इस कारण से इसे अपन क्या कह सकते हैं भी, मैट्रिक्स लेमिला या स्ट्रोमा लेमिला भी कह सकते हैं। तो स्ट्रोमा पटलिका भी कह सकते हैं, या मैट्रिक्स लेमिला भी अपन इसे कह सकते हैं, या इंटर ग्रेनम। इसके अलावा वियर ने इन्हें क्या किया, कहा भी, फैट्स कहा, वियर ने इन्हें फैट्स के रूप में संबोधित किया। तो ये है भी इंटर ग्रेनम। तो अपना लेमिलर सिस्टम जो हरित लवक का लेमिलर सिस्टम है, वो तीन इकाइयों से मिलकर बना है, थाइलेकोइड्स, ग्रेनम और इंटर ग्रेनम। जो ग्रेनम है भी,
इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं और हरित लवक उपस्थित कारण जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो ग्रेनम में ही संपादित होती है, यानी थायलेकोइड में संपादित होती है। इंटरग्रेनम स्ट्रोमा में है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे अपन बात करें भी क्वांटोसोम, तो क्वांटोसोम क्या है? देखिए पार्क व पोन ने क्वांटोसोम अभिधारणा प्रस्तुत की और यह अभिधारणा उन्होंने 1963 में प्रतिपादित की। क्वांटोसोम देखो थाइलेकोइड अपन ने देखी, ये थाइलेकोइड है और इस थाइलेकोइड की ये बाहरी सतह बाह्य कला है और ये दो कलाओं से मिलकर बना है। इसकी ये बाह्य सरफेस है और ये अंतर सरफेस है, ऐसे ये इस कला की बाह्य सरफेस है और ये अंतर सरफेस है। इस सरफेस तो थाइलेकोइड की आंतरिक सरफेस पर अनेक गोलाकार कण पाए जाते हैं और उन्हीं कणों को क्या कहा भाई पार्क व पोन ने क्या कहा भाई क्वांटोसोम कहा। तो देखो अपन ने यहां देखिए ये एक थाइलेकोइड है, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है। इसकी अपन ने ऊपर से कठोर काटी और इसकी सरफेस पर ये अपने को अनेक क्वांटोसोम दिख रहे हैं, तो ये अपने को क्वांटोसोम दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्वांटोसोम इसकी आंतरिक सरफेस पर पाए जाने वाले कण हैं। अब क्वांटोसोम का साइज क्या है? प्रत्येक क्वांटोसोम 185 एंगस्ट्रॉम लंबा, 155 एंगस्ट्रॉम चौड़ा और 100 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसका आणविक द्रव्यमान आणविक भार अगर अपन बात करें तो 2×10^5 डाल्टन मोलिकुलर वेट होता है इसका। और जो क्वांटोसोम है वो प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो इसी क्वांटोसोम में संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है भी क्वांटोसोम। और प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 मॉलिक्यूल किसके हैं भी क्लोरोफिल के, 60 अणु जैंथोफिल के और 50 अणु कैरोटीन के पाए जाते हैं। तो अपन इसमें क्वांटोसोम जो है उसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। देखिए ये अपनी थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की आंतरिक सरफेस पर ये क्वांटोसोम विद्यमान है। इसमें अपन ने यहां पर ये बहुत सारे क्वांटोसोम देखा। इस क्वांटोसोम का एक अपन डायग्राम देखे तो ये अपने को क्वांटोसोम का एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें अपने को ग्रीन डॉट दिख रही बहुत सारी। ये किसको व्यक्त कर रहा है? क्लोरोफिल को, जिसमें 230 अणु किसके होते हैं भी क्लोरोफिल के। तो ये एक क्वांटोसोम मॉलिक्यूल है, ये अनेक क्वांटोसोम है। इस एक क्वांटोसोम कण में 230 मॉलिक्यूल किसके हैं भी क्लोरोफिल के हैं और लगभग 60 अणु जैंथोफिल के हैं और लगभग 50 अणु किसके हैं भी कैरोटीन के उपस्थित होते हैं। अब अपन देखें भी कि जो अपने थाइलेकोइड अपन ने देखी, इस थाइलेकोइड की इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके की है? तो ये थाइलेकोइड की आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसमें ये सबसे बाहर प्रोटीन स्तर हो गया, जैसे अपन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था या प्लाज्मा झिल्ली की इंटरनल स्ट्रक्चर बात की थी उसी के समान है। तो ये प्रोटीन लेयर दिख रही है आपको, प्रोटीन लेयर के बाद में ये अपनी क्या हो गई भी फॉस्फोलिपिड या लिपिड लेयर हो गई। इसके बीच में ये क्लोरोफिल अणु है और ये क्लोरोफिल का अणु का शीर्ष भाग है जिसे अपन फोरफायरिंग वले कह सकते हैं और ये इसकी पूंछ है। तो ये क्लोरोफिल अणु दिख रहे हैं आपको और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल और इनके बीच में ये कैरोटीनोइड्स है और कैरोटीनोइड्स आपको पता है दो प्रकार के हैं, जैंथोफिल और कैरोटीन। तो ये कैरोटीन अणु विद्यमान है, ये फिर क्या आ गई भी प्रोटीन लेयर आ गई और ये नीचे वाली तो ये एक कला हो गई। ये एक कला इसमें ये यहां पर क्या विद्यमान है भी क्वांटोसोम है और क्वांटोसोम में क्या विद्यमान उपस्थित है भाई क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड्स के अणु विद्यमान है। दूसरी कला की बात करें तो ये उसकी प्रोटीन लेयर आ गई और ये फॉस्फोलिपिड लेयर आ गई और ये इनके कैरोटीन मॉलिक्यूल आ गए और ये क्लोरोफिल अणु आ गए और ये प्रोटीन। तो अपन थाइलेकोइड की अगर स्ट्रक्चर देखें
तो इसमें प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन, उनके बीच में अनेक क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल्स उपस्थित है। इसी प्रकार ये दूसरी थायलाकोइड की दूसरी कला आ गई, इसमें भी ये प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर और ये क्लोरोफिल के अणु और ये कैरोटीनॉइड के अणु और ये प्रोटीन लेयर उपस्थित है। तो ये हमने हरित लवक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी थी और हरित लवक के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन हमने किन किन बिंदुओं में किया भी? हरित लवक का आवरण जो कि एक दोहरी आवरण है और इन दोनों के मध्य उपस्थित अवकाश को पेरी प्लास्टिडियल अवकाश अपन ने कहा, और इसमें जो है मैग्नीशियम आधारित एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद अपन ने स्ट्रोमा की बात की जो जलीय प्रोटीन युक्त होता है, जो जेली समान द्रव है जिसमें प्रोटीन्स, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, स्टार्च कण, ऑस्मियोफिलिक कण, फाइटोफेरिटिन कण, ये स्ट्रोमा में उपस्थित है। फिर अपन ने लेमिलर सिस्टम की बात की और लेमिलर जो सिस्टम है वो थाइलेकोइड्स, ग्रेनम और इंटरग्रेनम से मिलकर बना हुआ है। ग्रेनम एक वचन है, ग्रेना बहुवचन है, ग्रेनम अनेक थाइलेकोइड्स से मिलकर बना हुआ है और ग्रेना में अनेक ग्रेनम को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेना कह सकते हैं। इंटरग्रेनम अनेक ग्रेनम के बीच में उपस्थित इकाइयों को अपन इंटरग्रेनम कह रहे हैं। और क्वांटोसोम, क्वांटोसोम थाइलेकोइड की कलाओं के आंतरिक सरफेस पर उपस्थित कणों को क्या कहा अपन ने भी? क्वांटोसोम कहा। क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और आपको ये एक क्वांटोसोम दिख रहा है, इस एक क्वांटोसोम में 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के और 50 अणु कैरोटीन के, 60 अणु जैतोविल के उपस्थित होते हैं। फिर अपन ने एक थाइलेकोइड की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जिसमें प्रोटीन लेयर, क्लोरोफिल अणु, कैरोटीनॉइड अणु, लिपिड लेयर, फिर प्रोटीन लेयर, ये एक कला हुई और ये दूसरी कला हुई। दूसरी कला में ये प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर जो फॉस्फोलिपिड के रूप में बना हुआ है और कैरोटीन मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये थी भी हरित लवक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।